एयरपोर्ट तक जाना अब बेहद आसान हो जाएगा। पटना हवाई अड्डा को मेट्रो से जोड़ने की संभावना पर शनिवार को मंथन किया गया है। हवाई अड्डा सलाहकार समिति की बैठक में रनवे विस्तार की बाधाओं को दूर करने और सुविधाएं बढ़ाने सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एयरपोर्ट पर हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हवाई अड्डा को मेट्रो रेल से जोड़ने की जरूरत है, इसे एयरपोर्ट पर आना जाना आसान हो जाएगा। टर्मिनल भवन के निर्माण के पश्चात यातायात की समस्या से निजात पाने में यह उपयोगी होगा। एयरपोर्ट परिसर के बाहर पीर अली पथ सहित अन्य सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा ताकि यातायात और सुगम हो। पूर्व मंत्री ने ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने की जरूरत पर बल दिया। बैठक में बताया गया कि इस बारे में प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारी के स्तर पर बैठक हो चुकी है। उन्होंने इसे जल्द पूरा करने का बिहार सरकार से आग्रह किया। रविशंकर प्रसाद ने बताया कि पटना हवाई अड्डा से दरभंगा, गया और जमशेदपुर होते हुए दिल्ली एवं अन्य स्थानों के लिए उड़ान की आवश्यकता है। उन्होंने एयरलाइंस ऑपरेटरों से कहा कि वर्णित इन रूटों पर काफ़ी यात्री मिलेंगे। उन्होंने इससे संबंधित प्रस्ताव नागरिक उड्डयन मंत्रालय में भेजने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि छोटे हवाई अड्डों पर से बड़े हवाई अड्डों को जोड़ने के लिए एक बड़ा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा को विकसित करने की जरूरत है। एयरपोर्ट निदेशक भूपेश नेगी ने जानकारी दी कि टर्मिनल भवन सहित अति विशिष्ट कक्ष एवं वॉशरूम को बड़ा किया जा रहा है। इस काम को अगले माह तक पूरा कर लिया जाएगा। सुरक्षा एरिया में एक नया वॉशरूम भी बनाया जा रहा है। नया टर्मिनल भवन दिसंबर 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। ATC सहित कई बिल्डिंग इस साल के अंत तक फंक्शनल हो जाएंगे। नया टर्मिनल बिल्डिंग 80 लाख सालाना यात्री क्षमता का होगा। कहा कि हम कम दृष्टि में जहाज़ों को उतरने के लिए कैटेगरी 1 लाइट स्थापित के लिए संजय गांधी जैविक उद्यान के अंदर लाइट लगाने के क्रम में पेड़ों की छटाई आवश्यक है। इससे 750 मीटर की दृश्यता में भी विमान उतर सकेंगे। DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को इस संबंध में समन्वय स्थापित कर मामले को जल्द निपटाने का आग्रह किया गया। हवाई अड्डा के बाहरी क्षेत्र में वर्तमान में अवस्थित नाला भविष्य के पानी के बहाव को रोकने के लिए सक्षम नहीं है, जिसमें शहीद पीर अली खान पथ में बदलाव कर बड़ा नाला के निर्माण की आवश्यकता पर बैठक में सहमति बनी। कहा गया कि मानसून के पहले इस पर आवश्यक कार्रवाई करें। बैठक में समिति के सदस्यों में दीघा विधायक संजीव चौरसिया, DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, SSP मानवजीत सिंह ढिल्लो व विमानन कंपनी के प्रतिनिधि सहित अन्य लोगों ने भाग लिया। बैठक में यह भी बताया गया कि पटना रनवे के विस्तार की संभावनाओं पर विचार चल रहा है। पैरेलल टैक्सी ट्रैक के लिए 21 एकड़ भूमि ICAR से लेने के लिए मुख्यमंत्री ने लीज रद्द कर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को हस्तांतरित करने का भी आदेश दिया है। बैठक में बिहटा हवाई अड्डा के विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई है। रविशंकर प्रसाद ने जिला पदाधिकारी पटना को इस बारे में आगे की कार्रवाई करने का सुझाव दिया। बैठक में उन्होंने पटना के समीप ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की आवश्यकता पर बल दिया, जो कि बिहार को अगले 40-50 वर्षों की आवश्यकता देखकर ही बनाया जाएगा। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पूरी व्यवस्था जो है पटना एयरपोर्ट में सुविधाओं को में इजाफा करने के लिए की जा रही है, और इसके साथ ही साथ अगर मेट्रो से कनेक्शन हो जाता है तो पटना एयरपोर्ट जाना और भी आसान हो जाएगा।